बंद करो हमारे शत्रु का नाम लेना। प्रहलाद, होलिका, प्रहलाद को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें भी इसके साथ जला दिया जाएगा। प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता की बहन अवश्य हूँ, किंतु तुम पर किए गए अत्याचारों से मैं बहुत दुखी हूँ। प्रहलाद, मैंने निश्चय कर लिया है कि आज यदि तुम्हें जलाने का उपक्रम होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ जलकर मर जाऊंगी। भैया, मैं कहती हूँ इस फूल से कोमल बालक पर अत्याचार बंद करो, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। नहीं होलिका, नहीं, ये दुष्ट बालक दया और प्रेम के योग्य नहीं है, इसे जल जाने दो। पिता की दया ना सही, मैं इसकी बुआ इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। यदि आप सबने निश्चय कर ही लिया है कि इसे भस्म करना है तो मैं भी इसके साथ भस्म हो जाऊंगी। इसकी माँ कयादु कहाँ है? अपने कक्ष में है, उसे इस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। प्रहलाद, मेरे बालक, एक बार फिर सोच लो होलिका, अब भी समय है, जलने मरने का विचार त्याग दो। नहीं भैया, मैं प्रहलाद पर अत्याचार होते नहीं देख सकती। प्रहलाद, 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 सेनापति दुंदुभिनी नाथ, चिता में आग लगा दो। आपकी लीला धन्य है, और धन्य है आपका भक्त प्रहलाद, और उसकी भक्ति धन्य है। फाल्गुन की ये पूर्णिमा होलिका दहन के नाम से सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगी।